करेंगे 30 तारीख को शाम में, और उसी समय इसका समापन होगा जहां हम लोग मिलकर एंजॉय करेंगे, हम सभी परिवार के साथ आएंगे, एक मौका होगा जहां पे ये उत्सव भाव होगा। ज्यादा से ज्यादा किसान आए इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सब किसान आके लाभान्वित हों, उनको पता चले कि मक्के का क्या क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है, उसका वैल्यू उनको पता चले। और जो वर्कशॉप होगा, साइंटिस्ट आ रहे हैं मेरे रिसर्च सेंटर के और दूसरी यूनिवर्सिटी से, वो भी मक्का के उत्पादन बढ़ाने के लिए, मक्का की संभावनाओं के लिए वो भी अपनी बात रखेंगे। एक किसानों के लिए एक बुक भी उस समय पब्लिश किया जाएगा जिसमें बेसिक इस जिले को विशेषता विशेष रूप से ध्यान में रखें कि किस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है, कौन सा मक्का का किस्म लगाए, इन सब के लिए पढ़ाकर साहब ने उनके टीम ने तैयार किया है। और पोला ग्राउंड में चार टोप बन रहे हैं, चारों टोप की अलग अलग विशेषता है। कौन फेस्टिवल मक्के का उत्सव 29-30 सितंबर को छिंदवाड़ा में, और इसमें स्थानीय लोगों की सहायता के लिए कई तरह के छोटे बड़े कार्यक्रम रखे गए हैं, और स्वीट कॉर्न टिक्का कॉम्पिटिशन, या फिर किसान यहाँ के मक्का शो करेंगे कि कौन कितना बड़ा मक्का उत्पादन कर रहा है, जिसके आधार पे मक्का की विक्रय की जाएंगे। मक्का आधारित फैशन और मक्का आधारित ज्वेलरी के कुछ शांडिल जो गायक हैं, तरुण बेट्स